राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट देश भर में चर्चित सीट बनी है। इसी बीच नेताओं के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बुधवार को रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा में शामिल होने पहुंचे बीजेपी के प्रत्याशी और मंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस नेता हरीश चौधरी के बयान पर पलटवार किया, तो दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह के लंदन दौरे को लेकर अभी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजी के खिलाफ चौधरी का बड़ा बयान, भाटी पर लग रहे आरोपों पर घेरा, कहा आरोपों में सच्चाई है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण, भाटी के खिलाफ फैलाया जा रहा भ्रामक प्रचार। एक दिन पहले ट्विटर और अन्य सोशल साइट्स पर निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ चल रहे ट्रेन एंटी इंडिया रविंद्र भाटी के सवाल पर कैलाश चौधरी ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो कुछ भी चल रहा है उसमें कुछ सच्चाई है तो इससे ज्यादा कोई दुख हो नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति अगर देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ रहता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भाटी ने एक दिन पहले ही अपने बयान में कहा था कि मैंने समर्थन नहीं दिया तो मुझे देशद्रोही करार देने की कोशिशें की जा सकती हैं। इसके जवाब में कैलाश चौधरी ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो हो रहा है वो बीजेपी ने कोई टैग नहीं लगाया, सोशल मीडिया पर देख रहा हूं जो सच्चाई है जनता के सामने है, आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना, बीजेपी ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाए हैं। स्पेशल डेस्क द पीके टाइम्स न्यूज़।